4 अगस्त 2024 बांग्लादेश के तख्ता पलट से ठीक 12 घंटे पहले वहां के जर्नल को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कम से कम ढाका में 2,00,000 लोग घुसने वाले हैं और वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो तुरंत भागे भागे शेख हसीना जी के निवास पर जाते हैं और उन्हें पूरी रिपोर्ट करते हैं कि ढाका के अंदर रात में कम से कम 2,00,000 लोग घुसने वाले हैं। हम उन लोगों को तो जैसे तैसे रोक सकते हैं, पर अगर ये संख्या सुबह तक 5,00,000 या 6,00,000 हो गई तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथ से बात निकल जाएगी, क्योंकि हम चाहकर भी 5,00,000 लोगों पर गोलियां नहीं चला सकते। ये बात सुनकर शेख हसीना जी घबरा जाती हैं और वह निर्णय लेती हैं कि पूरे बांग्लादेश का इंटरनेट बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी एक दूसरे से संपर्क ना कर सके। और वो सोचती हैं जब लोग संपर्क नहीं कर पाएंगे तो सुबह तक स्थिति उनके काबू में होगी, पर गेम यहाँ से बदल जाती है। पाँच अगस्त 2024 तख्ता पलट से एक घंटे पहले ढाका की सड़कें जो खाली पड़ी थी अचानक भीड़ में परिवर्तन हो जाती हैं। जिस संख्या को रात तक सोचा जा रहा था कि 2,00,000 होगी वो सुबह होते होते 5,00,000 में बदल जाती है। जनरल समझ जाते हैं अब बात हाथ से निकल गई है, सेना अपने हाथ खड़े कर देती है और जनरल शेख हसीना जी को सिर्फ 45 मिनट देते हैं देश छोड़कर भागने के लिए। वो कहते हैं अगर आप जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। ये खबर सुनकर शेख हसीना जी परेशान हो जाती है और अपना इस्तीफा दे देती है। वह अपनी बहन के साथ कुछ सामान लेके आर्मी के बेस पे पहुँचती हैं और आर्मी का प्लेन लेके अपने देश से भाग जाती हैं। इसी सब के बीच में शेख हसीना जो है अपने दोस्त भारत को कॉल करती हैं और मदद मांगती हैं। भारत में भी एक इमरजेंसी मीटिंग कराई जाती है जिसमें सभी पार्टी के लोगों को बुलाया जाता है और इस इमरजेंसी के बारे में बताया जाता है। इस चीज में सब लोग अपना समर्थन देते हैं और कहते हैं कि हम शेख हसीना को भारत में बुलाएंगे और शरण भी देंगे। तभी उन पे कॉल होता है कि आप अपना प्लेन गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे लैंड करा सकते हैं। इसी दौरान भारत सतर्क हो जाता है और सावधानी के लिए अपने 2 राफेल तैयार रखता है ताकि किसी भी मुसीबत में वो तैयार रहे और सारे रेडार्स को एक्टिवेट करवा दिया जाता है ताकि कोई भी अनहोनी ना घटे। कुछ समय बाद लैंड करता है प्लेन गाजियाबाद में और शेख हसीना जी पूरे सेफ तरीके से भारत में पहुंच जाती है। पर इतनी बड़ी जो घटना घटी आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ ये आरक्षण की वजह से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बताते हैं ऐसा क्यों नहीं है। दरअसल जॉब आरक्षण 1971 में जो सिपाही देश के लिए लड़े थे उनके बच्चों के लिए लाया गया था ताकि जो लोग देश के लिए शहीद हुए उनके लोग भूखे ना मरे और उन्हें जॉब मिल सके। अब इस आरक्षण में थोड़ा सा अपडेट किया गया और इसमें सीटें और बढ़ा दी गई, जिस वजह से जो स्टूडेंट थे वो गुस्सा हो गए और ये आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान बहुत से छात्र सड़कों पर उतरे और तोड़ा फोड़ी करी और इस बिल को वापस लेने की बात उठने लगी। कुछ समय बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है और इस फैसले पे आता है कि इस आरक्षण को रद्द कर दिया जाएगा, कोई आरक्षण नहीं है। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है और इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है। इसी दौरान ये आंदोलन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब ये आंदोलन यहीं पर खत्म हो गया था तो ये लोग कौन है? ये लोग छात्र हैं या फिर एक दंगाई है? ये लोग क्या करने की सोच रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों तोड़ रहे हैं इन चीजों को? क्यों पार्लियामेंट को बर्बाद कर रहे हैं? आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह। दरअसल ये जो लोग हैं ये हैं जमाते इस्लाम के समर्थक जो कि बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहती है और वहां पर एक नई सरकार नया कानून स्थापित करना चाहती है। लेकिन ये सब कुछ एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ करा जाता है। स्टूडेंट को फिर से सड़कों पे उतारा जाता है, उनसे दंगे करवाए जाते हैं, तोड़फोड़ करवाई जाती है और ये 4 मांगे रखी जाते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं। इन मांगों से आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है और ये क्या करना चाहते थे बांग्लादेश में। और ये जो सारी बातें हमने आपको बताई हैं
ये बांग्लादेश की मीडिया की तरफ से कही गई हैं। इसमें से हमारी तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई। इन दंगों में शेख हसीना के अलावा जिसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो वहाँ की माइनॉरिटी है, हिंदू। अब इन दंगों में एक नया चैप्टर शुरू होता है जो कि किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ना प्रशासन के खिलाफ है और ना ही इसका किसी आंदोलन से कोई मतलब है। ये लड़ाई माइनॉरिटीज की तरफ जाती है और उन्हें मारा जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है। आप वीडियोस में देख रहे होंगे कि किस तरीके से प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। उन मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है जिन्होंने बांग्लादेश को उस समय खिलाया जिस समय लोग यहाँ पे भूखे मर रहे थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे इनके पास, मंदिरों में दिन रात भंडारे बटे थे जब जाके बहुत से लोग कुछ खा पाते थे पूरे दिन में। अब हम आपको थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी बताने जा रहे हैं। आपने सोशल मीडिया में बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें रोडों पे काफिले निकल रहे हैं और बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं और लोगों के घर में घुस रहे हैं, खासकर माइनॉरिटीज के घर में घुस रहे हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप घर पे अकेले हैं और बाहर से आपके घरों के गेटों को तोड़ा जा रहा है, लोग घुस रहे हैं, आपके साथ गलत शोषण करा जा रहा है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा उस समय? क्या चलेगा? डर, सबसे बड़ा डर। और वो ही वहाँ के हिंदुओं के साथ हो रहा है। वो लोग डरे हुए हैं, इतनी बुरी तरीके से डरे हुए हैं, ना तो उनके साथ पुलिस है ना आर्मी है, कोई उनके हेल्प के लिए है ही नहीं उस समय। लेकिन इसी के विरोध में वो लोग सड़कों पर भी उतरे हैं और अपनी रक्षा कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है, 16 करोड़ की आबादी से क्या 1.5 करोड़ की आबादी लड़ सकती है? चलो मान लिया 16 करोड़ उन्हें नहीं मारने होंगे, पर क्या वो सेफ है वहां पे? आप खुद सोचिए, खुद फैसला कीजिए। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, क्या यहाँ पर भी अफगानिस्तान ईरान जैसा ही हाल होने वाला है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज्यादा वीडियोस ला सकें आपके लिए।